नमो नमः मित्राणि। आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों आज मैं पहले की भांति पुनः आपसे संस्कृत भाषा शिक्षणे व संस्कृत विषय सीटेट 2019 की परीक्षा में संभावित पद्यांश को लेकर के प्रस्तुत हुआ। मित्रों ये पद्यांश बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं या हो सकता है कि यही जो है आपका पद्यांश आपके परीक्षा में भी पूछा जाए। तो मित्रों पद्यांश और गद्यांश को सरलतम ढंग से उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैंने आपसे बात किया था कि कोई भी पद्यांश है अथवा कोई भी गद्यांश है, आप सबसे पहले उसके प्रश्नों को देखिए। जो प्रश्न में शब्द आए हुए हैं उसको आप देखिए कि हमारे पद्यांश में व गद्यांश के किस पंक्ति में हमारी ये लाइनें मिल रही हैं, ये शब्द मिल रहे हैं, जिस पंक्ति में वो शब्द मिलते हैं मित्रों नोट कर लीजिए, उसी पंक्ति में आपका उत्तर विद्यमान है। आपको इधर उधर नहीं भटकना है, केवल उसी पंक्ति को देखना है जिस पंक्ति में वो प्रश्न के शब्द विद्यमान हैं, वही आपका उत्तर है। तो मित्रों चलिए हम सभी देखते हैं। अधोलिखितान पद्यांशान पठित्वा प्रश्नात् उत्तराणि देयानि, नीचे लिखे हुए पद्यांश के प्रश्नों को पढ़ करके उत्तर देना है। तो यहां तो मित्रों मैं पहले वाचन करता हूं। प्रेडाति यः सुचरितै पितरं सपुत्रः यद् भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रम् तन्मित्रमापदि सुखे च समाक्रियं यद् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। एतत्त्रयं ये तीन चीजें जगति माने संसार में पुण्य कृतः लभन्ते, पुण्य करने से ही प्राप्त होती हैं। क्या तीन चीजें हैं मित्रों? पुत्रः कलत्रम मित्रम, तीन चीजें पुत्र है मित्र है और कलत्र है पत्नी है, कलत्र माने पत्नी। ये तीन चीजें बहुत पुण्य करने वालों को प्राप्त होती है। प्रीणाति यः सुचरितै पितरं सपुत्रः, पितरं सपुत्रः यः माने जो, सुचरितै ही माने सुंदर चरित्र के द्वारा, पितरं प्रीणाति अपने पिता को प्रसन्न रखता है। नंबर दो की कमाई से अन्य कमाइयों से अगर पुत्र अपने पिता को प्रसन्न रखता है तो वह पुत्र पुत्र नहीं है। सुचरितै सुंदर चरित्र के द्वारा जो अपने पिता को प्रसन्न दिखता है सपुत्रः ऐसा पुत्र। यद भर्तुः एव हितम इच्छति, ऐसी पत्नी जो अपने पति के ही कल्याण को हमेशा चाहती है, ना भाई के कल्याण को न माता के कल्याण को न पिता के कल्याण को, केवलम अपि भर्तुः हितम इच्छति सा एव कलत्रम, वही पत्नी जो केवल अपने पति के कल्याण को चाहे ऐसी पत्नी। तन मित्र ऐसा मित्र जो सुखे च समक्रियम, सुखे का मतलब है सुख और दुख दोनों में जो समान क्रिया करता है, ये नहीं कि सुख में तो साथ देता है लेकिन दुख में साथ नहीं देता है, ऐसा मित्र मित्र नहीं है। हरो चरहि तापहि भरत फरे पसारहि हाथ तुलसे स्वारथ मीत सब परमारथ रघुनाथ। हरो चरहि तापहि भरत, ऐसे मित्र नहीं है ये तो केवल स्वार्थी मित्र होते हैं। मित्रों तो जो मित्र आपत्ति में और सुख में दोनों स्थितियों में समक्रियम यत समान क्रिया करे समान बना रहे वही मित्र है। जो पति के कल्याण को चाहे ऐसी पत्नी, जो सुंदर चरित्र के द्वारा पिता को प्रसन्न रखे ऐसा पुत्र, ऐसा मित्र जो सुख और दुख में समान बना रहे, ये तीन चीजें ऐसा पुत्र ऐसा मित्र ऐसी पत्नी पुण्य कृतम लभन्ते, पुण्य करने वालों को ही प्राप्त होती हैं।
तो मित्रों ये तो हुआ इस श्लोक का समीचीन अर्थ। अब इसके जो है प्रश्नों को आप देखें। हितमिच्छत शब्दस्य संधि विच्छेदम अस्ति। हितमिच्छत शब्द का संधि विच्छेद है। तो मित्रों यहां अगर हम कर देते हैं हितम, हितम में मां में हलंत हो गया, धन इच्छति हो गया। अब मां में हलंत है इसका मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है और इसके बाद में ई स्वर दिया है तो केवल स्वर इसमें जुड़ जाएगा। अजहीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम। अजहीन व्यंजन को स्वर से जोड़ देते हैं तो इसकी वास्तविक संधि विच्छेद होगा हितम धन इच्छति। दूसरा है मित्रों कलत्रम कस्य हितम रक्षति। कलत्रम माने पत्नी किसके हित की रक्षा करती है। पितुः पिता के, भ्रातुः भ्राता के, मातुः माता के, भर्तुः पति के। पति के हित की रक्षा करती है, पति के हित को चाहती है। यह सुचरितैः पितरं प्रीणाति सः। जो अपने सुंदर चरित्र के द्वारा पिता को प्रसन्न रखता है। अब देखिए सुचरितैः यहाँ आया है, प्रीणाति यहाँ आया है, इसलिए मित्रों इसी लाइन में हमारा उत्तर है। पितरम यह सुचरितैः प्रीणाति स पुत्रः। तो इसका उत्तर मित्रों ये होगा पुत्रः। चौथा है मित्रों त्रयम् जगति किम् कृते लभन्ते। तीन चीजें संसार में क्या करने पर प्राप्त होती हैं। तो पुण्य कृतम लभन्ते, एतत्त्रयम् जगति पुण्य कृतो लभन्ते। त्रयम् जगति किम् कृते लभन्ते, तो किम् कृते पुण्य कृते लभन्ते। कलत्र शब्दस्य पर्यायम् नास्ति। मित्रों ध्यान दीजिएगा, कलत्र शब्द का पर्याय कौन नहीं है पूछा जा रहा है। पत्नी है, प्रिया है, दारा है, भगिनी माने बहन होता है मित्रों। तो पत्नी, पत्नी माने भी कलत्र होता है, प्रिया माने भी कलत्र होता है, दारा माने भी कलत्र होता है, भगिनी माने बहन होता है। इसलिए मित्रों कलत्र शब्द का पर्याय कौन नहीं है, भगिनी। अगला मित्रों उत्तर प्रश्न है हमारा, पितरम शब्द का विभक्ति अस्ति। पितरम शब्द में कौन विभक्ति है, पितरम शब्द में कौन विभक्ति है मित्रों। तो पितरम शब्द में विभक्ति है पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पित्रेन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः। तो पिता, पितरौ, पितरः, पितरम। पितरम में मित्रों द्वितीय विभक्ति है, पितरम में द्वितीय विभक्ति है। इसके बाद मित्रों हमारा प्रश्न है लभन्ते क्रिया कस्मिन पदे आत्मनेपदी में है। कृतः शब्दे प्रत्ययः अस्ति, क्रीधन अक्ता। भर्तुः शब्दस्य विपरीतार्थकः अस्ति। भर्तुः माने पति होता है, पति शब्द का विलोम है पत्नी, तो प्रिया। भर्तुः शब्दस्य विपरीतार्थकः अस्ति प्रिया। तो मित्रों ये रहा है आपका पद्यांश। ये पद्यांश मित्रों आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्णम् अस्ति। तो आप इसको ध्यान से करिए, दो बार, तीन बार, चार बार आप इसको समझिए। नहीं समझ में आता है तो पुनः कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख करके भेजें, मैं निश्चित रूप से आपके समस्याओं का निदान करूंगा। मित्रों तब तक के लिए धन्यवाद, नमो नमः मित्राणी।